वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 12th क्लास इंग्लिश कोर के 2024 के सिलेबस के बारे में। मैं बताऊँगा आपको कि इस वर्ष का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आपका किस प्रकार से रहने वाला है, बोर्ड का एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो उसमें सेक्शन कितने आने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 सेक्शन आने वाले हैं, और सबसे पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स के लिए, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का होने वाला है, और सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग का होने वाला है। इसके में हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल्स के लिए है, ये टोटल 22 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, जो कि 2 क्वेश्चंस होंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा और सेकंड क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। दोनों में MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर 40 टू 50 वर्ड्स में आपको देने होंगे। दोनों पैसेज की जो वर्ड लिमिट जो रहेगी वो 700 से 750 700 टू 750 वर्ड्स की रहेगी। इसके बाद सेक्शन बी होगा जो कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का होगा, टोटल 18 मार्क्स के लिए। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट आंसर्स भी होंगे और लॉन्ग आंसर भी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि राइटिंग स्किल्स का है वो 50 वर्ड्स का होगा। इसमें 2 नोटिस आपको पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें इंटरनल चॉइस होगी। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई का होगा, जिनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना होगा। यहां पर भी आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाली है, आपको 2 में से 1 अटेम्प्ट करना होगा, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि राइटिंग स्किल्स का है, ये लेटर वर्बल और विजुअल बेस्ड होगा, यानी कि लेटर जो कि इसमें इनपुट मिलेगा, कभी कभी वर्बल भी हो सकता है या विजुअल कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जिसका आंसर आपको 120 टू 150 वर्ड्स में देना होगा। और जो लेटर पूछे जाने वाले हैं वो आपको जानकारी है कि एक तो जॉब एप्लीकेशन होगा जिसमें बायोडाटा और रिज्यूम के साथ आपको लिखना पड़ेगा, और दूसरा होगा लेटर्स टू द एडिटर। और ये लेटर्स टू द एडिटर मोस्टली सजेशन बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड होगा या पब्लिक इंटरेस्ट के इशू से संबंधित होगा। यहाँ पर भी आपको 2 इंटरनल चॉइस मिलने वाली है, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपको जॉब एप्लीकेशन मिलेगी या लेटर टू द एडिटर मिलेगा, और दोनों में से कोई भी आपको एक चूज करना पड़ेगा। और ये 5 मार्क्स का होने वाला है, जिसका आंसर आपको 120 टू 150 वर्ड्स में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है आर्टिकल और रिपोर्ट का, जो कि एनालिटिकल नेचर का होगा, जिसमें आपको वर्बल इनपुट मिल सकता है, और इसका आंसर भी आपको 120 टू 150 वर्ड्स में मिलेगा, देना होगा। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है, यानी 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी लिटरेचर और टेक्स्ट बुक का, जो कि 40 मार्क्स का होने वाला है। यह सेक्शन सी है जो लिटरेचर बेस्ड है। इसमें आपको MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होने वाला है वो फ्लेमिंगो का एक्सट्रैक्ट होगा, और ये एक्सट्रैक्ट पोएट्री से पूछा जाएगा। 6 मार्क्स का है, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 2 इंटरनल चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस में से आपको 1 एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक्सट्रैक्ट होगा, ये प्रोज बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन ये विस्तार बुक का एक्सट्रैक्ट होगा, और इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सेम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्लेमिंगो का प्रोज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ये यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है, यानी 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, उसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखते हैं लिटरेचर का ही क्वेश्चन नंबर 10, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको आपके पास 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 6 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। ये प्रोज और पोएट्री, फ्लेमिंगो के प्रोज और पोएट्री बुक के क्वेश्चंस होंगे। 40-50 वर्ड्स में आपको इसके आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है, फिर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लेकिन ये प्रोज की विस्तास की प्रोज का होगा, वही 40-50 वर्ड्स में आपको आंसर देने होंगे। यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 4 मार्क्स के लिए होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाला है, यहाँ पर इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, 2 में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये फ्लेमिंगो बुक के प्रोज और पोएट्री में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 120-150 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। ये थीम बेस्ड होगा, पैसेज बेस्ड हो सकता है या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस आपके इंग्लिश कोर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ये विस्तार के चैप्टर्स पर बेस्ड होगा, इसका आंसर 120-150 वर्ड्स होगा और यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है, यानी 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसमें से आप कोई चॉइस से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है जो कि आपको बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट करना होगा। ये था आपका लिटरेचर पोर्शन और बोर्ड का जो कि पेपर आने वाला है 80 मार्क्स का। इसके बाद जो 20 मार्क्स जो कि स्कूल के होंगे वो उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि CBSE की बुक्स कौन कौन सी है। इसमें CBSE ने कोई नया नहीं किया है, वही पुरानी वाली बुक्स जो हर साल आती है वही बुक्स इस बार भी है, फ्लेमिंगो और विस्तार। फ्लेमिंगोज जो कि इंग्लिश रीडर है, उसमें कौन कौन से लेसन होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये चैप्टर होने वाले हैं। इसी की पोइट्री जो है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, द थिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसकी पोइट्री होने वाली है। वहीं इसकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार के जो चैप्टर होने वाले हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसकी दो स्टोरीज हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया था इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल का होता है, स्कूल मार्क्स देता है, तो उसमें लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स 5-5 मार्क के होने वाले हैं और प्रोजेक्ट जो कि 10 मार्क्स का होगा। बच्चों ध्यान दें कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छे से बनाना होगा क्योंकि स्कूल इसी पर के बेस पर आपको इंटरनल मार्क्स भेजेगा, तो इसको आप अच्छे से तैयारी करके प्रोजेक्ट बनाएं, अच्छे से तैयारी करें बनाएं ताकि आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे मिल सकें। तो ये था बच्चों इंग्लिश कोर क्लास 12 CBSE का 2024-25 का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, सिलेबस की आपकी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू।